लास्ट वीडियो में हमने अपने लॉगिन फॉर्म को डिज़ाइन कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग इसमें वैलिडेशन लगाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि जो हमारा क्रिएट अकाउंट वाला पेज है उसमें थोड़ा और फील्ड्स मैंने ऐड कर दिया ताकि हम लोग वैलिडेशन को और अच्छे से समझ सकें। और ये वैलिडेशन लगने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ पर अगर मैं रजिस्टर क्लिक कर रहा हूँ तो जो यूज़र नेम वगैरह है वो मिनिमम कितना फील्ड है, मैक्सिमम कितना फील्ड है, अगर ईमेल इंटर कर रहा है तो ईमेल है या नहीं, अगर कॉन्टैक्ट नंबर इंटर कर रहा है तो वो नंबर है या नहीं, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। और इसके लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है यप npm पैकेज मैनेजर, और दूसरा एक आता है अगर मैं रिएक्ट वैलिडेशन लिखूँ तो एक आता है रिएक्ट फॉर्म हुक। तो मैं इन दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। मैं रिएक्ट फॉर्म हुक के साथ यप का यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यप को सर्च करता हूँ तो इसको हम लोग जो रिएक्ट फॉर्म हुक है उसको स्कीमा वैलिडेटर्स के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसको इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरा कोड है और ये रजिस्टर वाला है, एक नया टैब ओपन करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक बार जब हमारा रिएक्ट फॉर्म वैलिडेटर इंस्टॉल हो जाता है तो मुझे नीचे आना है और यहाँ पे मुझे दो चीज़ इंस्टॉल करना है, एक तो यप है एक तो और दूसरा है हुक फॉर्म रिजॉल्वर। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी इंस्टॉल कर लूँगा। अभी इंस्टॉल हो चुका है तो मैं नीचे आके देखूँगा तो यहाँ पर मुझे, मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ किया, अगर आप टाइपस्क्रिप्ट में कोड कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये तीन लाइन को कॉपी करना है, इन तीनों को इम्पोर्ट कर लेना। तो मैं अपने कंपोनेंट में आके और इसको इंपोर्ट कर लूँगा। उसके बाद जो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपको एक स्कीमा डिफाइन करना है, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद ये यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट और है, एक रजिस्टर हैंडल सबमिट फॉर्म स्टेट और दूसरा ऑन सबमिट वाला है, तो मैं इन दोनों को भी कॉपी कर लूँगा। और नीचे यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आप फॉर्म को देखते हैं तो यहाँ पे जो हमारा फील्ड है उसके पहले मुझे फॉर्म को ओपन और क्लोज़ करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। और जहाँ पे मैंने फॉर्म स्टार्ट किया था, अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया, ये बॉक्स है उसके नीचे ग्रिड से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा बॉक्स है उसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और इसके नीचे मैं फॉर्म को स्टार्ट करूँगा और ये जो ग्रिड है इसको मैं फॉर्म के अंदर ले लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये क्लियर दिखे। और यहाँ पे जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो वो हैंडल सबमिट को कॉल करता है, और अगर मैं फॉर्म को दिखाऊँ नीचे में आकर के तो ये जो हमारा नीचे बटन है ये बटन का टाइप सबमिट है, तो आपको भी बटन टाइप सबमिट रखना है। और यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है इसमें अगर हम लोग हैंडल सबमिट पर जाते हैं तो ये हमारा हैंडल सबमिट है जो जो सबमिट होने के बाद ऑन सबमिट को कॉल कर रहा है, और मैं अगर ऑन सबमिट पे मैं जाता हूँ तो ये ऑन सबमिट है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी डेटा है वो लॉग में वो डेटा आ जाएगा। तो अभी मैं करके देखता हूँ कि इसका रिस्पांस क्या है, तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं हो रहा है। और अगर मैं कंसोल में जा कर देखूँ तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए ऐसा नहीं क्योंकि स्कीमा में इसका जो फील्ड है उसको मैंने बाइंड नहीं किया है। तो अभी मैं नीचे जाऊँगा वापस से, और जो हमारा फील्ड है जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा यूज़र नेम है, ये हमारा ईमेल है, इसको स्कीमा से बाइंड करना होगा। तो उसके लिए मैं वापस से, तो मैं यहाँ पे आकर अगर एग्जांपल को देखता हूँ तो यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें ऐसे रजिस्टर करना है और रजिस्टर करके उसका नाम देना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ और इसका जो नाम होगा वो यूज़र नेम होगा, तो मैं यूज़र नेम ले लेता हूँ। सेम ऐसे मैं ईमेल के लिए भी कर लूँगा और पासवर्ड के लिए भी और कंफर्म पासवर्ड के लिए भी, मोबाइल के लिए भी। और यहाँ पे मैं सबको कॉपी करके इसका जो नाम है मैंने ऐसा कर लिया। अब जो ये वाला, अब इसके नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक पैराग्राफ में एरर को शो कर रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और जहाँ पे हमारा ग्रिड है उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। और ये जो है एरर्स डॉट फर्स्ट नेम है, यहाँ पे एरर्स डॉट यूज़र नेम होगा। सेम ऐसे ही मुझे ईमेल के लिए भी करना होगा और पासवर्ड के लिए भी।
कंफर्म पासवर्ड के लिए भी। अब इसके बाद जब मैं वापस यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे जो हमारा स्कीमा है वहाँ पे भी मुझे ये सब डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि कंफर्म पासवर्ड को कॉपी कर लेता हूँ और ये जो हमारा स्कीमा है यहाँ पे मुझे डिफाइन करना होगा, तो वो रिक्वायर्ड है। वैसी एक पासवर्ड है वो भी रिक्वायर्ड होगा, एक ही यूज़र नेम है वो भी रिक्वायर्ड होगा, और एक मोबाइल है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं होगा, नंबर होगा। तो इसको जानने के लिए हमें जाना होगा यप वाले npm पैकेज पे। अगर आप यप के npm पैकेज पे आते हैं और स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, और नीचे जाने पे आप नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं, नंबर डॉट मिन है, नंबर डॉट मैक्स है, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग ना लेकर के मैं यहाँ पे नंबर ले लूँगा, और यहाँ पे डॉट मिन कम से कम 10 होना चाहिए, फिर से डॉट ले लूँगा। सिमिलरली यूज़र नेम के लिए मैं मिन कम से कम 6 होना चाहिए, तो ऐसा मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ। और अगर अब मैं वापस अपने कोड पे आकर रिफ्रेश करता हूँ और इसको ऐसे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिख रहा है यूज़र नेम मस्ट एट लीस्ट 6 कैरेक्टर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड रिक्वायर्ड है, और ईमेल के लिए मुझे ईमेल वाला वैलिडेशन लगाना होगा। तो ईमेल के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक और ईमेल ले लूँगा, और इसमें मिन का रिक्वायरमेंट तो नहीं है, बस यहाँ पे मुझे ईमेल लिखना होगा, और जो हमारा वैलिडेशन है वो ईमेल के लिए वैलिड हो जाएगा। फिर से मैं रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया, इसको स्ट्रिंग लेना होगा, या स्ट्रिंग नहीं भी लो तो चलेगा। और अगर मैं फिर से रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो ईमेल इज़ रिक्वायर्ड है, अगर मैंने कुछ लिखा तो वैलिड ईमेल इसको चाहिए होगा, और अगर मैंने एक बार वैलिड ईमेल कर दिया तो एरर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं। अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से जो हमारा एरर है उसका, अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर आप स्टाइल दे सकते हैं। अभी अगर मैं वापस आता हूँ तो ये छोटा हो गया, इसका कलर वगैरह चेंज हो गया। तो इस तरह से आप अपने एरर को अट्रैक्टिव कर सकते हैं, आई मीन यूज़र के लिए ज़्यादा वो अच्छा दिखे। और इसके बाद लास्ट में आता है ये मेल फीमेल अदर। तो इसको करने के लिए बहुत ही टेढ़ा प्रोसेस है, इसका मैं सिंपल सा प्रोसेस आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि पहले मैं इसके कोड को दिखाता हूँ। कोड में अगर आप देखेंगे तो मैंने MUI का सेलेक्ट यूज़ किया, और यहाँ पे मेनू आइटम है जिसमें मेल फीमेल और अदर है, और जैसे ही ये, और इसमें ऑन चेंज इवेंट लगा हुआ है जो कि हैंडल चेंज को कॉल कर रहा है, और इससे जेंडर का वैल्यू बाइंड है। अगर मैं हैंडल चेंज पे जाता हूँ तो यहाँ पे जेंडर जो है, जो वैल्यू आएगा वो सेट हो जाएगा। तो हमें यहाँ से इतना पता है कि अगर हमने जो कोई सा भी जेंडर सेलेक्ट किया तो वो हमारे जेंडर वाले वैल्यू में मिलेगा। अब वापस हमें ऑन सबमिट पे आना है, ऑन सबमिट को मुझे थोड़ा एडिट करना है इसको वैलिडेट करने के लिए। मैं क्या करता हूँ कि एक और ऑन सबमिट यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें क्या होगा कि ये जो हमारा डेटा है वो एज ए ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करने पे जो हमारा पुराना डेटा है उसमें हम लोग जेंडर को बाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले जो काम का नहीं है, जैसे एज जो है कहीं पे नहीं है तो मुझे उसको हटाना होगा, और ये जो वैल्यू कंसोल में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको चेक करना होगा। तो उसके लिए मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी वगैरह देके इसको चेक कर लेता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं। और अगर मैं कंसोल में आ रहा हूँ तो ये हमारा वैल्यू हमारे कंसोल में आ रहा है, और यहाँ पे आपको जेंडर भी दिखेगा, जेंडर जो मेल है मैंने सेलेक्ट किया था वो आ गया, और यहाँ पे मैंने अलर्ट भी लगा दिया था। ये रहा हमारा अलर्ट, जिसको कि मैं हटा देता हूँ। और इस तरह से आप कोई सा भी एक्स्ट्रा वैल्यू है, अगर कुछ जेंडर है या रेडियो बटन का वैल्यू है, तो आप इस तरह से इसके ऑब्जेक्ट में असाइन कर सकते हैं, और असाइन करने से पहले आप चेक कर सकते हैं कि अगर इफ़ जेंडर जेंडर है तब ये इसके अंदर जाए, नहीं तो एक आपको अलर्ट आ जाए। मिसिंग करके कुछ मैं दे देता हूँ, और अगर जेंडर है तो वो इसके अंदर चला जाए। ऐसे इस तरह से आप वैलिडेशन वगैरह लगा सकते हैं। जो लास्ट वीडियो में मैंने स्नैक बार दिया था वो सब का यूज़ भी आप कर सकते हैं, या फिर आप
डायरेक्टली यहाँ पे एक कंडीशन के थ्रू जो एरर दिख रहा है, जो एरर, ये जो एरर है, एरर डॉट यूज़र नेम वैसे करके एरर डॉट जेंडर जो है उसको आप पॉपुलेट करके दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अगर फिर से रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे मैं सभी वैल्यू को भर देता हूँ, जैसे ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, और अगर जेंडर नहीं है तो मिसिंग आ रहा है। और फिर से अगर मैंने कंसोल में भी कुछ नहीं आया होगा, और अगर मैंने जेंडर सेलेक्ट करके रजिस्टर किया तो एरर नहीं आएगा और हमारा वैल्यू आ चुका है। तो इस तरह से आप वैलिडेशन को लगा सकते हैं, ये काफ़ी इजी है और काफ़ी आसानी से आप कोई सा भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।